ऐसी क्या खास बात थी उनमें कि उन्हें किसानों का नेता नेता के नाम से संबोधित किया गया? रातों रात किसानों को जमीन के मालिक बना दिए थे। भारत की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। दुर्भाग्य रहा कि मैं बहुत थोड़े टाइम के लिए प्रधानमंत्री रहे। कहाँ हुई आपसे आपकी मुलाकात पहली बार? चौधरी चरण सिंह को बड़े अच्छे लगे, उन्होंने मुझे एक पुरस्कार सहित अपना पेन दिया। तो सर, जैसे कि चौधरी चरण सिंह को किसानों का नेता कहा जाता है, तो ऐसी क्या खास बात थी उनमें कि उन्हें किसानों का नेता नेता के नाम से संबोधित किया गया? जब वे कांग्रेस छोड़कर आए, उसके बाद में उन्होंने एक मुहिम चलाई और राजनीतिक, सामाजिक और अध्ययन भी किया, और जितनी जातियां थी, जो बहुत छोटी थी, जो बड़े स्तर पे जो सामंत लोग थे वे उनको दबा कर रखते थे, तो उन्होंने उनके अंदर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों चीज़ों को उत्थान करने के लिए उनके पॉजिटिव उनमें विचार भरे और छोटे छोटे स्तर पर उनमें से नेतृत्व पैदा किया और उनको इकट्ठा करके उन्होंने एक ये समझो कि अपना अलग राजनीतिक पार्टी बनाई, लोकदल कर। पहले तो भारतीय क्रांति दल बनाया था उन्होंने, वो पहला चुनाव लड़े थे, उसमें सफल भी बहुत हुए थे और वहीं से उनका किसानों के प्रति उभार इतना अधिक हुआ कि वे किसानों के मसीहा के तौर पर उन्हें लोग मानने लगे। और उन्होंने सबसे पहला काम जब सत्ता में आए तो जमींदारी खात्मे का काम किया था, और रातों रात किसानों को जमीन के मालिक बना दिए थे। तो भूमि सुधार का ये यूपी में पहला प्रयोग था और जो सफल रहा, उसके बाद उन्होंने गरीबों के प्रति विशेष ध्यान दिया और उनके राजनीतिक, सामाजिक उत्थान के लिए काम किया, और उन्हीं पे उन्होंने किताबें लिखी, भारत की गरीबी, उसका उन्मूलन। और उनका एक ही वो था उद्देश्य कि भारत की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। इस मुहिम में जो सामंती लोग थे वो उनके खिलाफ हुए और उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, राजनीतिक भी और वैसे भी, लेकिन वे कभी अपने विचारों से अडिग नहीं रहे और उन्होंने भारत के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री को सुशोभित किया। दुर्भाग्य रहा कि मैं बहुत थोड़े टाइम के लिए प्रधानमंत्री रहे। ओके, तो आपका जो मुलाकात थी वो चौधरी चरण सिंह से पहली बार यूनिवर्सिटी में हुई या कहाँ हुई आपसे आपकी मुलाकात पहली बार? पहला ज्ञापन जो हमने दिया था, उसके दो साल बाद कल्याणकारी इंटर कॉलेज में वो आए थे, तो वहाँ जो एक छात्रों की तरफ से भाषण दिया गया था जो मैं अध्यक्ष था, तो क्योंकि मैं उनसे प्रभावित था तो मैं जो वहाँ अपना विचार प्रस्तुत किए तो चौधरी चरण सिंह को बड़े अच्छे लगे, उन्होंने मुझे एक पुरस्कार सहित अपना पेन दिया, और जो हमेशा मेरी यादगार के रूप में मेरे साथ रहा। तो उसके बाद करीब 4 या 5 साल के बाद संयोग से उनके कार्य क्षेत्र क्रम भूमि जो थी राजनीतिक, वो छपरौली क्षेत्र था, तो
वहाँ संयोग से हमारे भाई सर्विस में थे, तो मैं वहाँ इंटर कॉलेज में छपरौली दाखिला लिया, तो वहाँ भी आते थे, तो वहाँ भी स्कूल में ही जब एक गोष्ठी थी तो उसमें जब मैं वो दिया तो उन्होंने पहचान के और मुझे फिर एक प्रोत्साहित किया। उसके बाद मैं 4-5 साल का वक्त रहा छपरौली के में, फिर बड़ौत, तो उनसे अक्सर भेंट होती रहती थी और मैं उनके बहुत नज़दीक विचारों से भी और उनके बहुत ही नज़दीक से मेरे संबंध हो गए। तो और मैं काफ़ी, जब तक मैं प्रधानमंत्री की शपथ ली, मैं निरंतर उनसे मिलता रहा और उनके जो भी विचार थे, जो भी उनका आदेश रहा, उसका पालन किया।